Now it is time for India to wait for our response. Assalamualaikum, this is Wasif Ali from Defense Outpost. आज हमारी हिस्ट्री सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इजरायली एयरफोर्स ने इराकी ओसिराक रिएक्टर को, जो कि बगदाद से 20 किलोमीटर दूर साउथ में मौजूद था, उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो ऑपरेशनल प्लानिंग होगी, या जो इसकी वजूहत थी क्यों इस हमले को उनको इसका रिएक्टर तबाह करना पड़ा। दूसरी जो होगी वो अटैक का प्रोसीजर होगा कि कैसे इजरायली एयरफोर्स ने किस प्लानिंग के तहत अटैक किया और क्या क्या चीज़ें उनके अटैक फॉर्मेशन में, अटैक पैकेज में मौजूद थी। तीसरा होगा कि क्या था बैन अल-अक़वामी रिएक्शन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी वजूहत क्या थी। तो मेनली इसकी वजूहत ये थी कि इराक़ को सेट करना एज ए एग्ज़ाम्पल सारे इस्लामी ममालिक के लिए, क्योंकि इराक़ की हुकूमत उस वक्त पहली इस्लामी हुकूमत थी जिसने इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से इसराइल शुरू से इस्लाम के बहुत ख़िलाफ़ है और वो कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामी कोई भी इस्लामी ममालिक कोई ऐसी बड़ी ताकत हासिल करे जिससे वो को दुनिया के सामने कोई एक मजबूत डेटरेंस पैदा करे। तो मेनली यही वजह थी कि किसी भी इस्लामी ममालिक को न्यूक्लियर पावर ना हासिल करने दिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान के केस में हो। वो तो पाकिस्तान की उस वक्त हमारे पास F-16 और कई जदीद हथियार मौजूद थे, जिसकी वजह से हमने इसराइल की हर दफ़ा अपने क्योटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमने अटैक उनका नाकाम बनाया। तो इसके बाद जो उस वक्त इसराइल में बेगन हुकूमत मौजूद थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर बेगन उस वक्त के इजरायली प्रेसिडेंट थे, तो सब उनकी कोऑर्डिनेट से हुआ और बकायदा मास्टरमाइंड वही थे इस प्लान के। तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके अंदर मुलविस नहीं था, बिल्कुल वो पूरी तरह मुलविस था, क्योंकि उन्होंने अपनी सैटेलाइट से इराकी रिएक्टर की तस्वीरें दी और पूरी तरह जैसे वो मदद कर सकते थे उन्होंने मदद की। हालांकि उनसे पहले जो आप क्योंकि इस हमले में F-16 तैयारे यूज़ हुए थे, तो ईरान सबसे पहले F-16 ईरान को मिलने थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका ने क्या किया, ईरान के F-16 काट के इसराइल को दे दिए ताकि वो बरवक्त अटैक को सर अंजाम दे सके। तो US मीडिया के तौर पे तो बहुत भोला बनेगा, उसने उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इसराइल को इस अटैक पर, लेकिन पीछे से CIA, FBI और पेंटागन की पूरी मदद इनके साथ शामिल थी, क्योंकि यहूदी और ये अंग्रेज़ कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस्लामी मुल्क न्यूक्लियर पावर हासिल करे। तो अब अटैक की बात करेंगे कि कैसे इस फैसिलिटी पर अटैक किया गया। तो इस अटैक में मेनली 8 F-16 तैयारे यूज़ किए और 5 जो कि F-15 तैयारे एयर एस्कॉर्ट के लिए यूज़ किए गए, जो कि उनको एयर कवर देंगे। जो एक्चुअल अटैक है, इससे पहले इसराइल ई पायलट्स ने डमी पावर प्लांट पे बॉम्बिंग करके पूरी प्रैक्टिस भी की और बकायदा इस प्रैक्टिस में 4 इजरायली पायलट हलाक भी हो गए। तो इनके पास पूरी प्रैक्टिस थी, इनके पास पूरी यानी कि प्रोफेशनलिटी थी, जिसके साथ इन्होंने इराकी पावर प्लांट पर हमला किया। तो उस वक्त इराकी, आप सोच रहे होंगे इराकी डिफेंस ने क्यों नहीं कोई डिटरेंस पैदा की, बिकॉज इराक उस वक्त ईरान के साथ वॉर में बिजी था। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि इसराइल के साथ पूरा इराक भी इस प्लान में शामिल था और उन्होंने अपने 2 तैयारों की मदद से इराकी ओसिराक पावर प्लांट की तस्वीरें भी इसराइलियों को मुहैया की। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग बात है कि हमारा इस्लामी भाई मुल्क भाई ईरान हमारे एक भाई की गर्दन पे चाकू खोप रहा है। तो ये उस वक्त कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई जज्बाती नहीं था, सब US की उसके पीछे पड़े हुए थे, उसकी खुशनुदी के पीछे। तो जैसे ही क्योंकि इसराइली मिलिट्री बेसिस से पावर प्लांट तक का सफ़र 1600 किलोमीटर था, तो बग़ैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के ये मिशन बिल्कुल नामुमकिन था। तो इसी वजह से इसराइली एयरफोर्स ने क्या किया कि अपना जो एक KC-130 टैंकर है उसको लोकल एयरलाइंस में के अंदर पेंट करके उसको जॉर्डन और सऊदी अरब की एयर स्पेस के ऊपर परवाज़ के लिए छोड़ दिया गया। तो अगर तो इसराइली एयरफोर्स को इराकी रिएक्टर तक पहुंचना था, तो इनमें से जॉर्डन और सऊदी अरब में से इन दोनों मुल्कों में से किसी एक की
एयर स्पेस को वायलेट करना ज़रूरी था। तो इस मामले में उन्होंने सऊदी अरब को चूज़ किया क्योंकि सऊदी अरब बिल्कुल ही उस वक्त एक लो मिलिट्री लेवल पे एक लो कंट्री थी और इनके पास कोई डिटरेंस के लिए कोई सॉलिड इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। तो बगैर डिटेक्ट हुए जाने का तरीकाकार ये था कि जब वो लोग जॉर्डन की एयर स्पेस के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग इजरायली कैप्स पेट्रोल हैं और हम यहाँ पर ऑफकोर्स की वजह से यहाँ पर भटक रहे हैं। तो उनको जॉर्डन्स ने गाइड करके वापस इजरायली वो सऊदी एयर स्पेस में भेज दिया। और जैसा कि वो लोग सऊदी एयर स्पेस में की तरफ से गुजरे तो उन्होंने सऊदियों को यही कहा जॉर्डन अरबिक लहजे में कि हम लोग जॉर्डन कैप्स पेट्रोल हैं जो इस तरफ अचानक आ गए हैं। तो इस बीच एक बहुत ही वो वाक़या हुआ, नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ। जॉर्डन का जो किंग है किंग हुसैन, वो गल्फ़ ऑफ अकाबा में अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा था कि उसने इजरायली तैयारों को अपने ऊपर से गुजरते देखा। जब उसने उन पर मार्किंग और उन पर लगे हुए बॉम्ब से और उसकी जिस तरह वो जा रहे हैं उससे हिसाब लगा लिया कि पॉसिबल टारगेट जो है वो इराकी ओसिराक रिएक्टर हो सकता है। तो इमीडिएटली किंग हुसैन ने अपनी गवर्नमेंट को कॉन्टेक्ट किया और इराकीज को एक इमीडिएट वार्निंग भिजवाई, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से ये पैगाम कभी इराकियों तक पहुंचा ही नहीं और इजरायली त्यारे अनडिटेक्टेड इराकी एयर स्पेस में पहुंच गए। तो उस वक्त सबसे पहले तो जो ये फॉर्मेशन जो है 5 F-15 की और 8 F-16 की, ये दो हिस्सों में बट गई। दो जो F-15 थे वो इराकी एयर डिफेंसिस का ध्यान बटाने में लग गए और बाकी के जो त्यारे थे वो एयर एस्कॉर्ट मुहैया करते हुए रिएक्टर की तरफ चले गए। तो इन्होंने डिसेंड किया 100 मीटर तक नीचे आ गए इराकी रडार से बचने के लिए, और जैसे ही 20 किलोमीटर पास आए रिएक्टर से इन त्यारों ने इजरायली त्यारों ने 2100 मीटर पर असेंड किया। तो इन्होंने 35 डिग्री के एंगल पे डिग्री पर डाइव करते हुए 16 में से 8 बॉम्ब इराकी रिएक्टर के सीधा डूम में गिराए और इसको पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। और उस वक्त इराक की बदकिस्मती ये थी कि जो इराकी सोल्जर्स एंटी एयर डिफेंस गन्स पे बैठे थे वो दोपहर का खाना खाने के लिए अपनी पोस्ट को अबैंडन करके गए हुए थे और उनके रेडार्स भी ऑफ थे। तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा इजरायली एयरफोर्स के F-16 और F-15 ने उठाया, जो कि बिल्कुल एक भी अपना त्यारा ज़ाया किए हुए 1600 किलोमीटर की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वापस बाहिफाजत अपने मुल्क के अंदर वापस आ गए। तो ये कह सकते हैं कि एक लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनलिज्म हुआ इराकी एयरफोर्स की तरफ, लेकिन उनका ये बनता था क्योंकि सद्दाम हुसैन को उस वक्त टू फ्रंट वॉर का सामना था। एक ईरान से उस वक्त वो जंग की हालत जंग में था और एक अमेरिका से उसको सैंक्शंस का सामना था। तो जो इराकी जो रिएक्टर इसके अंदर तबाह हुआ वो मुकम्मल तौर पे डिसेबल हो गया था, हालांकि उस वक्त की जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग रहती थी उसको वो इराकी यूएस वॉर के दौरान यूएस एयरफोर्स ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसका जो अब बात करेंगे इसका जो इंटरनेशनल मीडिया का रद्दअमल था, तो इस वाक्य के बाद इंटरनेशनल मीडिया में एक आग सी लग गई थी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई इजराइल पर, तकरीबन इराक और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तरफ से 7 मीटिंग्स और 6 रिटन लेटर्स में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और अक़वामे मुत्तहिदा के जितने भी कंटेंडर्स थे, जितने भी उनके अंदर शरीक नुमाइंदे थे, उनमें से 75% ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और इसको एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड एग्रेशन कहा। तो अमेरिका ने भी चेहरे पर तो इनके लिए इराकियों के लिए बहुत ही मदद और हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन पीछे से इनकी पूरी पूरी मदद मौजूद थी इजरायलियों के लिए और बकायदा इसके बगैर ये मिशन मुमकिन ही नहीं था। तो ये सब ये यहूदियों का जाल है इस्लामी दुनिया के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। तो इसी के साथ हिस्ट्री सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ये ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।